के दीन और मज़हब को अब पूछते क्या हो उनने तो, कशका खेंचा दैर में बैठे कब का तर्क इस्लाम किया। ख़्वातीन और हज़रात, ये जो शेर अमीर का, इस पर सादकैन ने उसकी इंटरप्रिटेशन जो बनाई, जो उसको मुसव्विर किया, उसमें दिखाया गया कि सादकैन साहब एक लंगोटी बांध के बैठे हुए हैं, ज्ञान ध्यान में मसरूफ़ है, यहाँ कशका वगैरह खींचा हुआ है और नीचे ये शेर लिखा हुआ। नुमाइश हुई जादूगर में, जिसको फ्री मेसन हॉल भी कहा जाता है, माल रोड पर है, सादकैन की मुसव्वरी की। अब एक दो दिन तो खैरियत से गुजर गए, लेकिन उसके बाद कुछ लोगों को खबर हो गई, क्योंकि हमारे यहाँ एक अरसे से जो फ़नून लतीफ़ा है, इनके हालात कुछ साजगार नहीं है, और वो जो लोग इनमें कमाल हासिल करते हैं, वो वाकई कमाल है कि ऐसे नासाजगार हालात में भी वो परस्यू करते हैं अपने पैशन। तो बाहर तौर जब ये नुमाइश हुई, एक दो दिन तो खैरियत से गुजर गए, फिर किसी को खबर हो गई और एक मजहबी जमात के तालिब इल्मों ने नुमाइश पर हमला कर दिया और आग भी लगाई। अच्छा, सादकैन जो थे वो बहुत दिल बर्दाश्ता हुए इस वकूए से, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि उन्होंने एक डिपिक्ट किया है, ये तो नहीं कि खुदा न खास्ता उन्होंने तर्क कर दिया इस्लाम को, ये तो शेर की बात थी, तो उस पर उन्होंने एक रुबाई लिखी थी। तो उन्होंने कहा कि हाल आज तो नासाज करेगा लाहौर, गाली से सरफराज करेगा लाहौर, लेकिन मैं यहाँ आ रहा था कई साल, इस बात पे कल नाज करेगा लाहौर। अच्छा, एक और जगह इसे पेशतर के मैं वो रुबाई पढ़ूँ जो उन्होंने लाहौर की शान में लिखी है, कि ये किताब है ख़त सादकैन, संग मील वालों ने शाया की है, और इसकी बुनियादी खसूसियत ये है कि खुर्शीद गौहर कलम, जो हमारे अहद के बहुत ही मायानाज खत्तात थे, ब्रिटिश म्यूज़ियम में भी उनकी खत्तातियाँ सजी हुई हैं, और मेरा ख़्याल है कि अपने अहद के सबसे बड़े खत्तात थे, उन्होंने ट्रिब्यूट पेश किया है इस किताब में। यानी एक बड़ा खत्तात जो है वो सादकैन को ट्रिब्यूट पेश कर रहा है, और इसमें उन्होंने बाकायदा ख़त सादकैन के कवायद और ज़वाबत जो हैं दर्ज किए हैं, कि सादकैन यूँ ही नहीं बनाते चले जाते थे, उनका एक ख़ास अंदाज था, कवायद और ज़वाबत है जिनके दरमियान रह कर मुकैद हो के तब वो बनाया करते थे। तो ये किताब जो है, इसी में उनकी बेशुमार रुबाइयाँ भी है, और जो ट्रिब्यूट है वो ये है कि गौहर कलम साहब ने सादकैन के अंदाज में रुबाइयाँ लिखी हैं, यानी उनको अपना उस्ताद माना है। तो ये पहला तो उन्होंने रुबाई तब लिखी जब नासाजगार हो गए लाहौर में, लेकिन बाद में कहते हैं कि जो ख़त किया है लाहौर में मैंने ईजाद, जो ख़त किया है मैंने लाहौर में ईजाद, उसकी मिली कुछ मशर के वस्ता में दाद, इस बात पे लाहौर को करते हैं सलाम। जिस तरह वो कहते थे ना, इस बात पे लाहौर को करते हैं सलाम, शिराज़ो दमिश्को काहिरा बगदाद। आप देखिए कि लाहौर को किन शहरों के हम पल्ला बनाया सादकैन ने। फ़ौदी नज़रात, मेरे पास मैटर तो बहुत है सादकैन के हवाले से, बल्कि यहाँ जब मैं ये प्रोग्राम प्लान कर रहा था तो एक पुराने कागजात निकल आए। अच्छा, ये बहुत बोसीदा हो चुके हैं, ये खैमा सादकैन ऊपर लिखा हुआ है। मेरा इरादा था कि कोई किताब वगैरह लिखूं, और ये नोट्स लिए थे। अब ये नसर सदी की बात है, ये 50 साल पुराने नोट्स हैं, देखें इनके रंग भी भूरे हो गए हमारी तरह, खस्ता हो गए हैं हमारी तरह, तो पढ़े भी नहीं जाते। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें बहुत सारे मैंने इशारों से कोई बात लिखी थी जो मैं नहीं चाहता था कि लोग पढ़ लें, अब वो समझ नहीं आती कि वो इशारे क्या थे। इसी तरह कई लोगों के नाम हैं और वो याद नहीं आ रहे कि वो कौन थे। तो किताब लिखने का मैंने इसलिए भी इरादा तर्क कर दिया। मेरा ख्याल है कि ये जो मैं प्रोग्राम पेश कर रहा हूँ, एक्सप्रेस की मेहरबानी है सादकैन पर, ये किताब पर भी भारी होगा। तो क्योंकि उनकी मौत के बाद, जिस तरह सईद अख्तर कहते हैं कि दो शख्सों ने मौत के बाद ज़्यादा पेंट किया है, एक अब्दुलरहमान चुगताई ने
और एक साथ कहन ने, क्योंकि इनकी नकलें बाजार में बहुत आ गई। इसी तरह जो बहुत सारे साधकैन शनास हजरात, जिस तरह फैज शनास आ गए ना, एक दफ़ा फैज साहब को मिला, पूरी किताब लिख दी कि वो फलान नज़म ने सुनाई थी, हमसे मशवरा किया। इसी तरह बहुत सारे ये हैं साधकैन शनास भी हैं। तो यहाँ तक कि भाई ऑलमोस्ट ये लिखा होता है कि वो उन्होंने कलम उठाया, ब्रश उठाया और मुझसे पूछा कि जनाब रंग में डुबो दें, मतलब इस किस्म की। तो इसलिए मैंने कहा कि हमारी कौन सुनेगा, ठीक है हम किताब नहीं लिखते। साधकैन के बारे में आमतौर पर उनकी तस्वीर आती तो बहुत सीरियस थी, संजीदा थी, हरगिज़ संजीदा इंसान नहीं थे। और उनमें ख़ास ज़राफ़त, उनकी जो ज़बानदानी थी उसके तो एक दुनिया मद्दा थी उनमें पाई जाती थी। धीरे धीरे मुस्कुराते थे, बल्कि उनकी ऐनक भी लगता था मुस्कुरा रही। तो कई मरतबा उन्होंने बात की, एक दफ़ा कहने लगे अरे दार साहब आप ये जाट हुआ करते हैं। मैंने कहा जी हाँ वो हैं, जाट ही हैं। ये जो जाट हुआ करते हैं ना अमरोहा में, ये हमारे मुजारे हुआ करते थे, फर्श पे बिठाते थे हमें मुजारों को, जाटों को। अच्छा मैं क्या कहता, तो मैंने कहा मैं ऐसे ही, मैंने कहा जी ये तो दुरुस्त है, लेकिन पंजाब में, पुराने पंजाब में जो सैयद बादशाह थे उनके घरों को जाटों की तरफ से खाना जाया करता था और नज़रनियाज भी हम लोग कर देते थे। तो मैंने देखा कि थोड़ा सा वो तैश में आने की तैयारी कर रहे हैं, बार बार ऐनक को सही कर रहे हैं। तो साथ ही मैंने कहा देखें ना कि हालात कैसे बदले, कि आज हम जाट जो हैं वो कशकोल लिए सैयद बादशाह के सामने बैठे हैं कि अपने फ़न की भीख उनसे मांग रहे हैं कि कुछ अता फरमाएं, तो आज हम आपके मुजारे। इस पे कदरे वो खुश हो गए। साधकैन कहते हैं कि फ़न है तख्लीको इख्तरा व ईजाद, नकले तकलीद से मैं यूं हूं आज़ाद, खत्ताती में, शायरी में, नक्काशी में, आप अपना हूं शागिर्द, खुद अपना उस्ताद। खत्ताती में, शायरी में, नक्काशी में, उसकी बात करते हैं। मेरे एक दोस्त हुआ करते थे तलवीज़ हक्कानी, और मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि उनकी वजह से मैं मुतारफ हुआ अदब में। अगर तलवीज़ हक्कानी ना होते तो शायद मैं भी ना होता। तो उनसे उसके बहुत शैदाई थे, इतने शदीद शैदाई, और उसी के हवाले से दोस्ती हुई कि कहीं एस लिखा हुआ ना सेवनअप वगैरह का, तो वो उसे स्पेन ही पढ़ते थे। आई किसी और चीज़ का लिखा हुआ है लेकिन उसको जू को उंदरस ही पढ़ते, मतलब एक वो जो होते ना ख्वाबों में बसाया हुआ था उंदरस। फाइनली उनकी आरजू पूरी हुई और वो उंदरस जा रहे थे। मुझे कहने लगे कि मैं वहाँ के लिए कुछ तोहफा लेके जाना चाहता हूँ, तो आपकी साथ कैन से वाकफियत है, क्या ये मुमकिन है कि कोई खत्ताती मुझे कर दें। तो मैंने कहा कि भाई मैं तो खुद मतलब कि सिफारिश के ज़रिए उनसे कुछ चीज़ें बनवा रहा हूँ, बार बार बात करते हैं। तो हम हाज़िर हो गए साधकैन के पास। तो उनसे कहा कि जी अच्छा, तो वो बहुत दिलचस्पी उन्होंने ली, कहने कि ये करतवा भी जा रहे हैं आप, अशबेलिया भी जा रहे हैं, घरनाता भी जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी हाँ। तो उन्होंने कहा कि जी मुझे तलमीज़ ने कहा कि मुझे कोई ऐसा तोहफ़ा चाहिए, कोई खत्ताती आप, जो मैं करतबा जाके अहले करतबा को पेश करूँ। तो कहने लगे खाल ले आइए। तलमीज़ ज़रा गड़बड़ा गए कि किसकी खाल। कहने लगे भाई आप जाएंगे ना चमड़ा मंडी, तो वहाँ मुख्तलिफ खालें आपको मिलेंगी, तो इस साइज़ की कोई बकरे बकरी किसी चीज़ की, और अच्छी नरम खाल हो, क्योंकि वो खालों पर भी खत्ताती करते, बहुत सारी चीज़ों पर करते थे, तख्तियों पे करते थे, खालों पे करते थे, कोई चीज़ आ गई है। बल्कि मैंने एक देखा कि ये जो रैक्सीन का एक मेज़पोश नहीं होता, अब मूड आ गया तो वो मेज़ के ऊपर ही खत्ताती करने लगे, वो रैक्सीन के ऊपर ही बनाते चले जा रहे। तलमीज़ वो खत्ता ले आए खाल, और उसके ऊपर उन्होंने मस्जिद करतबा अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़म, मेरा ख्याल इससे बड़ी नज़म मस्जिद करतबा पर लिखी नहीं गई, उसके उन्होंने दो अशार जो थे वो ख़त किए। और तलमीज़, मेरा तो जी चाहता था कि हम ये पास ही रख लें, लेकिन तलमीज़ ने कहा कि नहीं,
ये मैंने करतबा वालों के लिए बनवाई हुई है। तो वो करतबा गए और वहाँ के लॉर्ड मेयर को उन्होंने साद कैन की जानब से ये तोहफा पेश किया, और वो जो खताती है वो कई दोस्त उसके बाद गए, उन्होंने कहा कि वो वहाँ के टाउन हॉल में नुमायाँ तौर पर आवेज आए। ये कुछ 10-15 वर्ष पहले की बात है, अब मुझे इल्म नहीं कि क्या वाकई, और जाहिर है कि ये भी मोहब्बत में ही उन्होंने बनाई। मैं बार बार कह चुका हूँ कि वो बिल्कुल किसी से कुछ चार्ज नहीं करते थे, उनको ज़रूरत ही नहीं थी पैसों की। अच्छा, एक खातून आया करती थी और बड़ा खाने पीने का सामान, पारसी खातून थी, मैकलैगन रोड जो है ना लाहौर की पार्टी, उससे आगे लेफ्ट हैंड पे जाती, तो वहाँ पे उनका कोई घर था और वो बहुत मुतमवल थी। ज़ाहिर पारसी मुतमवल होते हैं, अब तो कम ही रह गए हैं क्योंकि हमने रुखसत कर दिया मिनॉरिटीज़ को ना आहिस्ता आहिस्ता। तो वो आती थी और बड़ी वो खाने पीने की चीज़ें, और कभी उनके दबा रही हैं, कभी बैठी हुई हैं मुद्दब होके। तो उन्होंने किसी ना किसी तरह सादकैन को माइल कर लिया कि मेरे घर की एक दीवार के ऊपर आप मुसफरी कर दें। सादकैन मान गए। तो 2-3 रोज़ के बाद उनकी कार आती, सादकैन को ले जाती। तो कुछ अरसे के बाद मुझे कहने लगे एक शाम, कहने साहब वो जो मुसफरी कर रहे थे ना दीवार पे, उस कताला की, अच्छा वो कताला वगैरह नहीं थी, इनको सभी कताला ही दिखाई देती, तो वो मुकम्मल हो गई है। तो अब उनकी ख्वाहिश है कि हम इसके ऊपर दस्तखत कर दें। खवातीन हज़रात, जब तक जो आर्टिस्ट है दस्तखत ना करे, वो तस्वीर ऑथेंटिक नहीं समझी जाती। तो मैंने कहा जी ठीक है। कहेंगे नहीं नहीं ठीक नहीं है, हमने दस्तखत कर दिए ना तो फिर ये गायब हो जाएंगी, हम जानते हैं, तो आपको हम साथ लेके जा रहे हैं, तो समझ लेना आप ताखीर करनी कोई। मैंने कहा जी अच्छा। हम गए, बड़ा शानदार घर था और बहुत आरास्ता और बहुत अमीर कबीर। तो उन खातून ने मुझे देख के कुछ नागवारी का इजहार किया कि ये कौन आ गए हैं। तो सादकैन साहब कहते हैं भाई ये बहुत बड़े लिखने वाले हैं, हम इनकी बात जाने कि हम इनकी किताब कामियों के बाद हम इनकी किताब मुसव्वर कर रहे हैं, और ना वो कामियों को जानती थी ना मुझे जानती थी बार तौर। तो बैठे हैं तो उन्होंने बहुत आओ भगत की, यानी आओ भी की और भगत तो बहुत ज़्यादा की। थोड़ी देर के बाद वो मार्कर लेके ना, तो वो बार बार रखती थी इनके सामने कि ये अब दस्तखत कर दें। एक बड़ी दीवार थी उसमें मुख्तलिफ फिगर्स, तो मुझे कहना है दार साहब ये तस्वीर दे गए ठीक लगती है, इसमें कोई खामी वगैरह तो नहीं है। मैंने कहा जी आप क्या करें, नहीं ज़रा गौर से देखिए। अब तार साहब उसका बड़ा गौर से मुतालिया कर रहे हैं जैसे को बहुत बैन अल-अक़वामी सतह के आर्ट क्रिटिक हैं, यूँ देख दाख के ना। मैंने कहा सर ये जो 3-4 खवातीन हैं इनके बाल तो ठीक है, लेकिन ये तीसरे नंबर पे जो है इसके ज़रा छिजरे से लग रहे हैं। कहना कि बिल्कुल दुरुस्त, ये तो कुछ बाल बनने चाहिए भाई, लाएँ जी। अब उन्होंने उसके बाल बनाने शुरू कर दिए, 10-15 मिनट में बाल बनाए। कहना कि भाई हम थक गए हैं, हम वापस आ गए। 3-4 दिन बाद फिर हुआ, कहने लगे चलें साहब। मैंने कहा जी आज क्या हुक्म है। कहने लगे आज भी नहीं। मैंने कहा सर जाने दे। कहने लगे नहीं। खैर हम गए, वो दस्तखत करवाएंगी, हम जानते हैं गायब बोला हो जाएंगे। हम गए वहाँ पे, हसब मामूल ज़रा सी नागवारी से उन्होंने हम सब वगैरह किया, और उसके बाद वो कलम वो मार्कर लेके रखती, कभी इधर रखती थी कभी इधर रखती थी, मतलब कह नहीं सकती थी कि दस्तखत कर दीजिए। चुनांचे मुझे कहते हैं हमें तार साहब आप तो इतने अरसे से हमारे दोस्त हैं, आप हमारे फ़न को जानते हैं परख सकते हैं, तो आप ज़रा देख लीजिए ये आप इसको मतलब के कहेंगे कि ठीक है तो फिर ठीक होगी तस्वीर। तो मैंने कहा कि जी बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो कोना है ये ज़रा खाली लग रहा है। तो फौरन उन्होंने 2-3 मार्कर पकड़े, हाँ भाई ये तो खला का एहसास होता है, वो लगाया। बहरहाल तीसरी मरतबा फिर जाके दस्तखत किए और सादकैन ने बिल्कुल दुरुस्त कहा। उसके बाद वो खातून नज़र ही नहीं आई। बहुत अरसा बाद
कोई आर्ट डीलर वगैरह मेरे पास आए तो मैंने उनसे तذکرہ किया कि बहुत शानदार काम किया था फलां खातून के घर में साद कैन में। तो उन्होंने कहा जी उसकी देखभाल अच्छी नहीं हुई थी, घर वो बंद करके चले गए, बारिशें हुई और वो ख़राब हो गए पैनल, तो इस तरह वो ज़ाया हो गए। अच्छा, अब इसके साथ एक और बात मुझे याद है, जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूँ कि मेरे नज़दीक दुनिया का सबसे बड़ा जो है म्यूरल, दुनिया का नहीं तो दुनिया के जो बड़े म्यूरल हैं उनमें उसका शुमार होना चाहिए, वो मंगला डैम का जो है बिजली घर उसके अंदर है। और जिन लोगों ने देखा है उन्होंने कहा कि इट्स अमेजिंग कि गए थे साहब तक अपना अमला लेके, जैसा कि मैंने बता चुका हूँ, और वहाँ पे उन्होंने पेंट किया। अब वो वहाँ पे बंद है और पिछले दिनों कुछ खवातीन, खाजी मोजेज खवातीन वहाँ गई, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी उसको देखने की, लेकिन इंतज़ामिया ने कहा कि जी इसकी इजाज़त नहीं है, सिक्योरिटी के मसाइल। अब उसको उठा के तो नहीं किसी ने ले जाना, सिक्योरिटी के मसाइल तो उसको बिजली घर को होंगे ना। तो मेरा ये है कि इतना बड़ा काम जो है ये एक कौमी असासा है और इसको इस तरह पोशीदा नहीं रखना चाहिए। ये एक फ़ख्र है पाकिस्तान के लिए कि हमारे पास एक ऐसा आर्टिस्ट था जिसने इतना बड़ा म्यूरल बनाया। इसके लिए एक खसूसी अगर म्यूज़ियम कायम किया जाए किसी भी शहर और वहाँ पे इसको आवेदन किया जाए ताकि लोग उसे देखें, उसको अप्रिशिएट करें। वरना मुझे तो यही खदशा है कि जिस तरह वो जो उन्होंने बनाई थी तस्वीरें उस पारसी खातून के घर, वो बारिशों की नज़र हो गई, कहीं ऐसा ना हो कि बिजली घर में कुछ ऐसा सिलसिला हो जाए और ये भी ज़ाया हो जाए। मखलूक खुदा चूम रही है मेरे हाथ, मखलूक़े खुदा चूम रही है मेरे हाथ, कातब मगर कहते हैं कि ये काटे जाए। वाकई मखलूक़े खुदा ने उनके हाथ चूमे। साद कैन साहब की याददाश्त भी कमाल की थी। मैंने तो एक शेर ये मीर का पढ़ना था वो लिख के लाया कि कहीं गलत ना हो जाए। अपनी रवाइयाँ भी याद थी, इकबाल उनको मुसव्वर किया, गालिब को बाकमाल मुसव्वर किया, नज़ीर अकबराबादी का बहुत सा कलाम, और इसके अलावा मुतफर जो शायर उनके वो कोट करते रहते। एक जो चीज़ जो मैंने नोट की वो बहुत कम लोगों ने उसके बारे में शायद ध्यान नहीं दिया या उसके बारे में बताया नहीं या व्हाटएवर, कि कभी कभी मैं देखता था कि वो बिल्कुल एक संजीदा मूड में, पेंसिव मूड जो होता है उसमें चले जाते थे कोने में बैठे हुए, और मैं जानता था कि ये कहीं और पहुंचे हुए हैं तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करता। तो पहली मरतबा जब ऐसा हुआ तो ज़रा से बेजार हुए और अच्छा आप कब से बैठे हुए हैं, यानी वो मेरी मौजूदगी को महसूस ही नहीं उन्होंने किया, वो पता नहीं किस जान में गुम थे। तो मैंने वैसे ही पूछा, मैंने कहा साद कैन साहब हो क्या रहा था, कहाँ थे? कहने के भाई हमारा अल्लाह ताला से तारफ हो चुका है, हमने बंदों को क्या करना। ये अजीब सा फिक्रा था कि उनके यहाँ एक जो फकीरी भी थी और सूफियानापन जो था मिस्टिसिज्म वो उसका प्रचार नहीं करते थे, लेकिन ये जो डायलॉग था ना ये इसने मुझे बहुत मुतासर किया कि जब अल्लाह ताला से तारफ हो जाए तो फिर बंदे को किसी और इंसान की ज़रूरत ही बाकी नहीं रहती। अच्छा, ये उनका मिजाज अलहदा और मतलब है कि भड़क भी उठते थे, मुश्तहिल भी हो जाते थे। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो मैं आपको बताऊं कि तफसील मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन जब आए हैं यहाँ पे पाकिस्तान में तो ऑलरेडी ये बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता मुसव्विर थे। मसलन पेरिस में बहुत अरसा रहे और वहाँ मुझे अब तक याद है कि 1969 थी कि शांज़ेलीज़े पे PIA का जो दफ्तर था उसकी पूरी वॉल पे इनका म्यूरियल था, वो वहाँ जाके पेंट किया। अच्छा, और इनकी वहाँ पे नुमाइशें हुई और नुमाइशों को बहुत सराहा गया, बल्कि इनके बारे में कहा गया कि ये पाकिस्तान के वाहिद मुसव्विर हैं जो मगरबी जो है मौसीके कह रहा हूँ मुसव्वरी उसका इन पे असर नहीं है, क्योंकि बेशतर हमारे मुसव्विर जो है
वो नक्काली कह लें या जो भी, वो मगरब की करते हैं कि वहाँ ये पेंट हो रहा है, इस पैटर्न पे हो रहा है, ये फ्लाम मूवमेंट चल रही। लेकिन उनका ये कहना था कि सादकैन उससे मुतासर नहीं हुए, उन्होंने अपना एक अंदाज़ निकाला है जो सरासर पाकिस्तान का है, ख़ासतौर पर कैक्टस का जो है हवाला और फिर खत्ताती का हवाला। एक और अखबार ने उनके बारे में लिखा, लोमॉन, बहुत फेमस अखबार है, फ्रांस का सबसे बड़ा अखबार है। उन्होंने कहा कि भाई, उसने कहा अखबार में लिखा कि सादकैन ये जो पाकिस्तानी मुसव्वर हैं, इनके पास वैरायटी जो है चीज़ों की, एक्सप्रेशन की, वो पिकासो जितनी है। पिकासो में भी वैरायटी बहुत थी, मतलब मुसव्वरी भी करते थे, मुजस्मा साजी भी करते थे, ज़रूफ़ भी बनाते थे, उसके बाद और कपड़े डिज़ाइन करते थे, हर जगह वो भी पेंट करते थे, और इनका भी यही हाल था। तो उन्हीं दिनों अल्बर्ट कामियो, बार बार मैं नाम लेता हूँ, हमारे भी किसी ज़माने में बहुत फेवरेट थे, नोबेल प्राइज विनर और फ्रांस के सबसे बड़े अदीब, नावलिस्ट, प्लेग था उनका, लेकिन ये उस उनकी किताब थी द आउटसाइडर, अजनबी या स्ट्रेंजर भी कहता ही वो, अच्छा उसका उर्दू में तर्जमा हो चुका है। उसका कुछ स्पेशल एडिशन ट्रिब्यूट पेश करने के लिए आना था, उसके लिए जितने भी मुसव्वर थे फ्रांस में जिनकी ख्वाहिश थी, उन्होंने अपने अपने स्केचेस और सारा कुछ भेजा, और सादकैन ने भी पार्टिसिपेट किया। और हैरत की बात यह है कि किसी फ्रांसीसी मुसव्वर को वो ये प्रोजेक्ट नहीं मिला, सादकैन को मिल गया, और सादकैन ने उसको इलस्ट्रेट किया और उसके वो सारे खाके बनाए। और उसके बाद बहुत बड़ी एक दावत हुई वहाँ पे, कंकोर्ड एक इलाका है वहाँ पे, और जिसमें बहुत बिलियनर्स लोग आए और बहुत बड़े बड़े आर्ट क्रिटिक आए, और वहाँ सादकैन साहब कैसे गए, वैसे ही वो पजामा और वो पुरानी सी वो जो एचकन है उसमें बाल बिखराए गए, और उनकी बहुत ज़्यादा पजीराई हुई। तो अब देखिए कि वही शख्स पाकिस्तान आता है, बिलीव में कि मुझे ज़्यादा नहीं मालूम था कि इनकी बाहर इतनी पजीराई हो चुकी है। तो उसका रेफरेंस कहाँ से आया कि एक रोज़ मेरा खाका बना रहे थे कोई किसी चैप्टर का, और जैसा कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमेशा तन्हाई में मैं और वो दोनों होते, और अगर कोई और शख्स आ गया तो फिर वो मौकूफ़ कर देते थे, और मैं दुआएं करता रहता था कि इनकी पेंसिल या बॉल पॉइंट चलता रहे, कोई आ ना जाए, क्योंकि कोई आ गया तो वो वहीं अधूरा रह जाए। तो बना रहे थे तो कहने लगे कि डॉक्टर साहब, वो रख के ना मार्कर कहते हैं, मान मेरे दिल में ख्याल आया है कि कैसी बुलंदी कैसी पस्ती। अच्छा, मुझे समझ ना आया, मैंने कहा कि सादकैन साहब आपकी क्या मुराद है, क्या कहना चाह रहे। कहने लगे मियाँ, अल्बर्ट कामियो जानते हो, समझते हो अल्बर्ट कामियो कौन थे। मैंने कहा जी हाँ, बहुत बड़े अदीब थे फ्रांस के, तो उनके किताब जो है स्ट्रेंजर, उसके हमने खाके बनाए थे। अब जब खाके बना रहे हैं तो यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, खाके बना रहे हैं, और हमारे इस हाथ पे मादाम कामियो मैं अरगवानी का गिलास हाथ में थामे खड़ी हैं, और हम उसमें से एक जुरा लेते हैं और खाके बनाते हैं। अब ये हालत है कि मुस्तनसर हुसैन ताड़ के खाके बना रहे हैं। अब पता नहीं, उस रोज़ नॉर्मली मैं इस तरह रिएक्ट नहीं करता, लेकिन शायद को बेगम से चपलकश हो गई या हालात को मुआशी ऐसे थे, मेरा कोई मैं भी कुछ बिखरा हुआ सा था। तो मैंने कहा कि सादकैन साहब, वैसे जो कैफियत तो आप पे तारी है ना, वो मुझ में भी तारी है। कहने का क्या मतलब। मैंने कहा वही, कैसी बुलंदी और कैसी पस्ती। कहने लगे आपको क्या हुआ। मैंने कहा एक ज़माना था कि हम अपनी किताब के लिए अब्दुलरहमान चुगताई से सरवर्क बनवाते थे, और एक ये ज़माना आ गया कि सादकैन से बनवाना पड़ गया। वो जो हाथ में था उनका मार्कर, वो यूं करके उन्हें फेंका, उसके बाद वो जो खाका था इनकम्प्लीट, उसको पकड़ा, उसको फाड़ के फेंक दिया। कहने लगे आप रहे जाट के जाट, ये उनका। अच्छा, मैं आराम से आ गया, मैं चला आया,
बाद में मुझे अफसोस भी हुआ कि साथ कह तो दुरुस्त रहे थे ना, एक नोबल प्राइज विनर, बहुत बड़ा अदीब कामियों, और कहाँ हम, उनकी मेहरबानी थी। तो मुझे अफसोस भी हुआ कि ऐसे मैं भी, मुझ में गुस्सा था, ऐसे ही आ गया। मैं सोच रहा था कि किस तरह इसका उनके साथ को माजरत करूँ या व्हाटएवर। 6-7 रोज गुजरे थे, एक दिन उनका फ़ोन आ गया, कहने लगे, जो लाइन उनकी मुझे याद है, तर्ज साहब आपके बगैर दिल नहीं लग रहा, चले आइए। ये लाइन मुझे आप तक, यानी इतने बड़े दिल का बंदा। तो मैं खैर चला गया, फिर उन्होंने वो शुरू कर दी, लेकिन दरमियान में मुस्कुरा के कर, वैसे आप हैं जाट के जाट ही। तो एक दफ़ा और, मतलब जिस तरह हज़रत अली कलम जाफर जो ने फरमाया ना कि भाई जिस शख्स की जितनी शोहरत होती है उसके हासदीन की तादाद भी उसी हिसाब से होती है, और सिर्फ कब्र की मिट्टी का कोई हासिल नहीं होता क्योंकि वो मुर्दा होता। तो ज़ाहिर है कि हासदीन महदूद चंद ही सही, लेकिन हमारे हिस्से में भी आए। तो उन ज़मानों में कोई एक उन्होंने बहुत किया सिलसिला कि ये तारड़ को लोग बहुत पसंद करते हैं, ख़ास तौर पे कर्नल मोहम्मद ख़ान, शफीकर रहमान, मोहम्मद खालिद अख्तर, सरवर खेरा, साद कैन। तो इन्होंने एक ख़ास, जिसको कहते हैं ना मज़मून, साजिश की। तो मेरे ख़िलाफ़ भड़काया इन लोगों को, और ज़ाहिर है वो सारा कुछ झूठ पे मबनी था। उनमें साद कैन भी शामिल। अच्छा, मुझे इसका इल्म नहीं। एक रोज़ मैं गया हूँ तो उनका मूड अच्छा नहीं, खैर मैं बैठा रहा। तो मैंने कहा कि जी आज कोई खाका वगैरह, क्योंकि 22-24 खाके बनाए। कहने लगे कि वो खाके जो आपको बना के दिए, आपको पता है कि बेगम अख्तर रियाजुद्दीन को सिर्फ 4 खाके मैंने बना के दिए, आपके 18 हो गए, जो बहुत ज़्यादा हो गए। मैंने कहा जी आपने खुद ही फरमाया था कि मैं पूरी किताब मुसव्वर करूँ, और मैंने ये भी कहा था कि ये खाके पब्लिक प्रॉपर्टी होंगे, सबके होंगे, आपके नहीं होंगे। अच्छा, मुझे अजीब सा लगा उनका ये एटीट्यूड। मैंने कहा जी जिस तरह आप हुक्म करें। कहने लगे मेरे खाके वापस कर। मैं उसी वक्त गया, स्कूटर था मेरे पास, घर गया, वो खाके मैंने किए, जाके मैंने पेश कर दिए। मैंने कहा जी ये क्योंकि आपकी क्रिएशन है और आपकी मेहरबानी के आपने बनाए, ये आपके। उसके बाद तकरीबन 1 माह तक मैं नहीं गया। मुझे अफसोस भी हुआ कि पता नहीं क्यों, मुझे शक था कि कुछ ना कुछ हुआ है। फाइनली खालिद भट्ट जो उनके, जिनको कोतवाल कहते थे, वो मेरे पास आए, कहने के साथ कैन साहब आपको बुला रहे हैं, मुझे उन्होंने भेजा है और उन्होंने माजरत की है, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि तारड़ आपके बारे में ये कहता है कि ये मैं उसको खिलाता हूँ, ये पिलाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। तो उस पर उनको उन्होंने कहा कि भाई ये अजीबोगरीब बातें कर रहा है, तो वो तैश में आ गए। लेकिन अब उनमें से ही किसी ने कहा कि जी ये तो ऐसी बात नहीं है, तो अब उनको अफसोस हो रहा है। तो मैं वापस गया तो वही खाके उसी तरह पड़े हुए थे। कहने लगे यार ये अमानत है आपकी, हमें क्यों दे गए आप, हमें तो दरकार नहीं। और उसके बाद फिर हालात जो हैं वो नॉर्मल हो गए। आईने ही आईने हैं मेरे दिल में, आईने ही आईने हैं मेरे दिल में, और कौन है आईनों में, तू ही तू है। हाँ वाकई तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। अच्छा, काम जो उनका है, जो मुसव्वरी है, जो उनका आर्ट है, जो फ़न है, और मैं अर्ज कर चुका हूँ कि कितनी जहतें हैं उसकी, और मैं वाकई ये कह रहा हूँ कि कोई जिन हो सकता है जो इतना ज़्यादा काम करे। बल्कि एक दफ़ा उन्होंने कहा कि मुझे कई लोग कहते हैं कि आप में जिन समा गया। तो मैंने उनसे कहा नहीं, मैं जिन में समा गया हूँ, ये उनकी अपनी कहावत है। तो इसके बावजूद बड़े डेलिकेट से बंदे थे, मसलन सड़क पार करने से बड़े डरते थे। कभी कभार निकलते थे हम अजायब घर से,
कोई काम है या किसी की तरफ टी हाउस जाना है या कोई ना कोई इस तरह थोड़ी सी आउटिंग कभी कभार कर लेते, तो मेरा हाथ बड़ी मजबूती से थाम लेते डरते थे। तो मैं कहता आ जाइए, तो कहने का भाई देख लें कोई ट्रैफिक वगैरह तो नहीं है। मैंने कहा जी नहीं है, फिर भी एहतियात लाजम, बहुत ज़्यादा एहतियात करते थे और बड़ी मुश्किल से मैं उनको सड़क पार कराता था। एक दफ़ा इस्लामाबाद में कोई सरकारी काम था तो खालिद को कहने लगे, अच्छा खालिद ध्यान रखते थे कि सिगरेट पड़े हुए हैं, चाय पड़ी हुई है, ऐशरे पड़ी हुई है, ये उनका कोतवाल था। कहने लगे भाई वो उस वक्त मैं मौजूद था जाहिर, वो मशकीज़ा भर देना। मुझे कहते हैं आप तो मुजाविर हैं, वैसे हम भी हिचाई करें, आपने देखा हम कभी टिक के नहीं बैठे, कभी अमरोहा में होते हैं, कभी पेरिस में होते हैं, इन दिनों लाहौर में डेरे डाले हुए हैं, कल कलां कहीं और चले जाएंगे। तो आपको तो मुसाफतों का पता ही है, मुसाफत में प्यास बहुत लगती, अब मशकीज़ा पास होना चाहिए। मैंने कहा जी बिल्कुल होना चाहिए। चुनाचे मशकीज़ा जो भी उनका था वो साथ ले गए। तो बाद में जब लाहौर से शिफ्ट किया है इस्लामाबाद, वहाँ एक दो मुलाकातें वहाँ भी हुई, एक बहुत बड़े वहाँ पे इनके बहुत ज़्यादा लोग आते थे, क्योंकि इस्लामाबाद में बुनियादी तौर पे जो सेलिब्रिटीज़ है ना उनको समझा कम जाता है और उनकी मतलब के प्रस्तुत ज़्यादा की जाती है। चुनाचे बहुत रश होता था। तो जब मैं गया हूँ तो मैंने देखा, ये बिल्कुल मैं सही बयान कर रहा हूँ, कि दो बहुत बारिश हजरात, बहुत मतलब के बुज़ुर्ग हजरात, उनके पाँव दबा रहे हैं। मालूम हुआ कि मानसेरे से आए हैं, उनकी खत्ताती के मतदान हैं। कहते हैं दार साहब बैठ जाइए, ये देखें ये है इस फकीर की शान, हैं शेख जी भी हमारे पाँव दाब रहे हैं, और इधर का अगर आप जाके देखें ऊपर वाले की तरफ से, अब पता नहीं ऊपर वाले से क्या मुराद थी उनकी, ये नहीं अल्लाह ताला नहीं थे, कुछ और था, उनकी जानब से भरे हुए मशकीज़े भी चले आ रहे हैं। अच्छा हम जैसे जो नॉविस होते हैं उनको ज़्यादा इल्म नहीं होता कोई मतलब मुसब्री का या अदब का भी क्या होगा, तो हमारे जहन में बहुत सारे ख्याल उठते हैं कि मसलन ये शाहकार नावल टॉलस्टॉय का है तो कैसे उसके जहन में आया, या फलां जो है डिविंची की मोनालिसा है, या वो लास्ट सफ़र है, या नाइट वॉच है, या इसी तरह की जो फेमस पेंटिंग्स हैं वर्मीर की है गर्ल विद ए वाइट पर्ल, तो ये किस तरह इनके जहन में ख्याल आया, कोई प्लानिंग होती या नहीं। तो मैंने कहन साहब से पूछा, मैंने कहा सर ये बताएं कि ये जो शाकार होते हैं ये कैसे वजूद में आते। तो कहने लगे दार साहब ये जो शाकार होते हैं ना ये बस धुप्पल में बन जाते हैं। अब मेरे लिए ये लफ्ज़ बिल्कुल नया था, कहीं अमरोहा का होगा कि धुप्पल में बन जाते हैं, लेकिन आई कुड अंडरस्टैंड दैट कि धुप्पल से मुराद उनकी ये है कि शाकार की कोई प्लानिंग नहीं होती, ये कुदरत की तरफ से कोई चीज़ जो होती है उसके नसीब अच्छे होते हैं, वो अवाम नाश में पॉपुलर हो जाती है, वो शाकार हो जाती है और उतनी ही कोई अच्छी चीज़ वो पड़ी रहती है। तो जनाब ये हमारा जो प्रोग्राम है ये समझिए कि सादकैन का एक शाकार है और ये धुप्पल में बन गया।